ता ता आसमा को धरती पिलाने वाला चाहिए मेरे दो दो बाप है कि नहीं बात। तो दोस्तों प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो ना हो कि भैया जैसे बोल रहा बेचारा सुनील शेट्टी यहाँ भी है, सुनील शेट्टी गाड़ी में भी है, सुनील शेट्टी सड़क पे बैठा है सर, लेकिन इनकम टैक्स में उरी दादा, हाँ इनकम टैक्स में ये पॉसिबल है कि भैया दो दो बाप, दो दो बाप इनकम टैक्स में पॉसिबल है। सर कैसे कैसे कैसे? ऐसे जैसे सेक्शन 26 कहता है बिल्कुल वैसे ही मेरे दो दो बाप है ना पॉसिबल है सेक्शन 26 के हिसाब से। अब अगर मुन्ना हाउस प्रॉपर्टी की नजरों से देखो, हाउस प्रॉपर्टी की नजरों से देखो तो जो बालक है ना जो गाना मेरे दो दो बाप मेरे दो दो बाप भैया वो बालक है एक बिल्डिंग है कि नहीं बात। तो भैया बालक है ये एक बिल्डिंग और सुनील शेट्टी जो गाड़ी में था ठीक है ना वो हो गया बालक का ओनर पहला और सुनील शेट्टी है ना सर सुनील शेट्टी आए आए एक एक देख लो तुम्हें है ना। तो सुनील शेट्टी जो बेचारा सड़क पे बैठ के रो रहा था वो हो गया दूसरा ओनर। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक बालक के दो पापा हो या ना हो लेकिन लेकिन भैया प्रैक्टिकल लाइफ में एक घर के दो ओनर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिना टेंशन के हो सकते हैं। सर कैसे? ऐसे जैसे मेरे घर में भी है, अब जिस घर में रह रहा हूं है ना राइट, वो भैया घर मेरे पापा के नाम पे भी है और वही घर मेरी माता जी के नाम पर भी, यानी एक घर के दो ओनर है डैडी और मम्मी, डैडी मम्मी है नहीं घर पे है कि नहीं बात, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही एक घर का ओनर है ना सुनील शेट्टी वन यानी पिताजी हो गए, एक घर का ओनर टू सुनील शेट्टी टू यानी माता जी हो गई, यानी एक घर के दो ओनर हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिना किसी दिक्कत के दो घर एक घर के दो ओनर हो सकते हैं। एक घर के दो ओनर है इसलिए इसे बोला जाता है को ओनरशिप। मुन्ना कहाँ बोला जाता है भैया? को ओनरशिप बोला जाता है, को ओनरशिप बोला जाता है, इसलिए सेक्शन कहता है कि भैया प्रैक्टिकल लाइफ में एक इंसान एक घर को अपने नाम पे खरीदता है, ऐसे ही दो इंसान एक घर को अपने अपने नाम पे खरीद सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है ठीक है ना। आगे जाके घर वालों में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा कि भैया ये घर मेरा है, वो घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी, वो प्रॉपर्टी तेरी, भैया आधे आधे मकान के मालिक हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 50-50 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट। अब सर सुनना मुन्ना ध्यान से, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, अरे भैया ध्यान से सुनिए भाई कि सर अगर को ओनरशिप है तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन मुन्ना एकदम सेम है, कैलकुलेशन मुन्ना एकदम सेम है जैसा हम करते हैं किसमें सर? हाउस प्रॉपर्टी में जैसा आप करते आए हैं जीएवी एनएवी म्युनिसिपल वैल्यू है ना, ये सारी बातें आप करते हैं, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है राइट। अब सबसे पहले क्या करना, पहले आप सारी कैलकुलेशन एक साथ बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लेना है ना, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स क्या आ जाएगा सर? एनएवी आ जाएगा, एनएवी में से अपना 30% और है ना इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन प्री प्लस फिक्स वाला निकाल के ये मेरा आंसर आ गया ठीक है ना। अगर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट है तो इसमें रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट भी जोड़ देंगे 30% माइनस करके, और अगर एरियर ऑफ रेंट मिल रहा है तो भैया प्लस करके एरियर ऑफ रेंट भी जोड़ देंगे और फिर मेरा आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा इसे को ओनर्स के रेशियो में बांट दो, यानी डैडी मम्मी सुनील शेट्टी वन, डैडी मम्मी है कि नहीं बात, डैडी मम्मी के रेशियो में बांट दो, मान लो डैडी मम्मी 50-50% के ओनर है तो भैया आंसर आया मान लो फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 तो भैया 50,000 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डैडी अपनी इनकम में शो करेंगे और 50,000 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माताजी अपनी इनकम में शो करेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जैसे आप क्वेश्चन करते आए हैं बिल्कुल डिट्टो डन डना डन वैसे करते रहो। आंसर पे पहुंचने के बाद डैडी के रेशियो अलग, मम्मी का रेशियो अलग, जो भी को ओनर का रेशियो है, जो भी मुन्ना को ओनर का रेशियो है उस रेशियो में घटाकट बांट दो बिना टेंशन के, सिंपल है कि नहीं बात। सर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आप सच कह रहे हैं नहीं कह रहे? अच्छे हाँ बच्चों हम पशा तो देख लो, आए कशाक देख लो फिर देखते क्या बात लिखी है, कशाक नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल वैल्यू
है ना, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड, ठीक है समझ गए, तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, लोन किसके लिए लिया गया मुन्ना, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। सर जॉइंटली टेकन, मुद्दे की बात है, क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा को ओनर है, ये लिखा होगा प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन, इंटरेस्ट कितना है 25,000 आउट ऑफ 21,000 हैज बीन पेड। मुन्ना 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 इसमें लिखा है इंटरेस्ट जो है चार्ज किया है 25,000, जिसमें से 21,000 ही पे किया गया है। अब पहला बच्चा यही गच्चा खा जाता है कि पेड की डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट में या पेबल की भी मिल जाती है, म्युनिसिपल टैक्स तो पेड की रिडक्शन होती है कि नहीं बात, मजा आएगा सर क्या क्वेश्चन दिया है, मजा आएगा। दूसरी बात देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, पूरी तेरी इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट याद आ गया होगा, जो इंटरेस्ट बैंक को मैंने पे नहीं किया, बैंक ने उसके ऊपर और इंटरेस्ट चार्ज लगा दिया, तो मैंने तो बताया था मुन्ना ये इंटरेस्ट सोचनी, ये गुस्से में बैंक की पेनल्टी है। और बताओ पेनल्टी क्या, पेनल्टी की रिडक्शन मिलती है ना, मिलती मुन्ना कतई ना मिलती है कि नहीं बात, तो मुन्ना पेनल्टी की रिडक्शन नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें मत भूल जाना। इस लोन को रिपे करने के लिए दिलरुबा जी ने है ना एंड हिज ब्रदर हैव टेकन फ्रेश लोन, लोन टू रिपे फ्रेश लोन, लोन टू रिपे फ्रेश लोन, लोन टू रिपे फ्रेश लोन, याद आकर वसूली वाला है कि नहीं बात, तो उसके लिए 5,000 पीके का रिडक्शन मिलेगी सर, बिल्कुल रिडक्शन मिलेगी क्योंकि हमने ये बात सीख ली थी, राइट। लोन टू रिपे फ्रेश लोन इज अलाउड एज डिडक्शन, है कि नहीं बात। म्युनिसिपल टैक्स इतना है जो पेड हो चुका है मुद्दे की बात, राइट, वो भी किसके द्वारा, टेनेंट, और है तेरी सारा का सारा पिछला खतरनाक चुनने चुनने पॉइंट सारे डिवाइस हो गए सर, पेड बाय टेनेंट, बल्कि म्युनिसिपल टैक्स कौन सा लेस होता है, पेड बाय ओनर, है कि नहीं बात। दोनों का रेशियो दे रखा है 50-50% बांट लेते हैं, राइट। अदर सोर्स की इनकम है इतनी, आपको सिर्फ दिलरुबा की इनकम निकालनी है, उसके भैया की इनकम नहीं निकालनी, क्योंकि जो दिलरुबा की इनकम होगी वो उसके भैया की हॉस्पिटल की इनकम हो जाएगी, ठीक है, राइट। अब सबसे पहली बात बच्चों वाली बात कर लेते हैं, पहले बच्चों वाली बात, फेयर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर 1,60,000, विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ठीक है ना सर, 1,60,000 यही मेरा क्या बनता है ईआर एक्सपेक्टेड, इतना एक्सपेक्ट करता हूँ मैं अपने मकान किराएदार से इतना लूंगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है, केस नंबर वन है, यानी केस नंबर वन बोले तो मकान 12 महीने लेट आउट, केस पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो 15,000 × 12 ये हो गया 180, 1,60,000 और 1,80,000 विच एवर इज हायर हो गया सर 1,80,000, 1,80,000 ही मेरी क्या बन गई, जीएबी बन गई, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, राइट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करके दे रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,80,000 जीएबी अभी निकाली, म्युनिसिपल टैक्स पेड नील क्यों है मुन्ना म्युनिसिपल टैक्स पेड नील क्यों है, क्योंकि वो टेनेंट के द्वारा पे किया गया है और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, इसकी वर्किंग नोट लिख के आएंगे वरना नंबर नहीं मिलेंगे, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे। एनएवी आ गई, अब स्टैंडर्ड 30% आ गया। अब मुद्दे की बात आती है कि सर कितनी डिडक्शन दूंगा पहले मैं इंटरेस्ट की, नॉर्मल इंटरेस्ट जो है मेरा, ठीक है ना, 25 या 21। तो मुन्ना मैंने बताया था म्युनिसिपल टैक्स पेड की डिडक्शन मिलती है लेकिन इंटरेस्ट पेएबल की भी डिडक्शन मिलती है। अरे सर जी याद आ गया, मजा आ जाएगा सर इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये छोटी छोटी बारीकी वाला क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में जरूर पढ़ के जाएंगे रिवाइज करके, है ना। 25 पेनल्टी डिडक्शन में नहीं मिलती इंटरेस्ट ऑन पेड इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन वो डिडक्शन मिलती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतनी आ गई। सुनना ध्यान से, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतनी आ गई, भैया का रेशियो कितना है, भैया दोनों भैया का रेशियो 50% है, तो दिल रुबा का रेशियो हो गया 96,000 का 50% 48, और उसके ब्रो मिस्टर बी ब्रो का रेशियो हो गया 48,000। हमें क्वेश्चन में दिल रुबा के बारे में निकालने के लिए बोल रहा है, तो भैया हम दिल रुबा के बारे में निकाल देंगे, राइट। अब ये तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमने दिखा दी सर, 50% शेयर इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, राइट। अब मैं उसका मेन, क्योंकि अदर सोर्स की इनकम बोल रही है, बोल रखा है, और वो बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया अदर सोर्स की इनकम है तो टोटल इनकम निकाले, टोटल इनकम बोले तो एनटीआई तक जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सैलरी, ये मेरा मेन फॉर्मेट है, इसे मत भूल जाना, आता मौजूद सटक ले, हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी
कैपिटल गेन अदर सोर्स, है ना। सैलरी कितनी है इसमें? नील। हाउस प्रॉपर्टी कितनी है सर? 48,000 दिल रुपा की। सर पीजीबीपी कितना है? नील। कैपिटल गेन कितना है? नील। अदर सोर्स की इनकम दे रखी है 2,60,000। जीटीआई कितनी आ गई मुन्ना? जीटीआई जीटीआई भी 3,08,000। जीटीआई आ गई मुन्ना 3,08,000। जीटीआई में से लेस करते डिडक्शन, बहुत अच्छे से तुम पढ़ चुके हो डिडक्शन। डिडक्शन 80C to 80U है कि नहीं बात? इस क्वेश्चन में नहीं है, होती तो लेस करते ध्यान से एकदम, है ना कि बात। और ये मेरा एनटीआई या टोटल इनकम आंसर आ चुका है, राइट, 3,08,000। फिर भैया अगर कोई इसी पे कहते हैं टैक्स निकाल दो मुन्ना, तो जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, डिडक्शन सिर्फ घर वालों को देंगे, राइट, और डिस्काउंट नंबर, है ना, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, बात समझ आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब इस क्वेश्चन की अगर खास बात देखो, है ना, इस क्वेश्चन की अगर खास बात देखो, तो इस क्वेश्चन में मकान जो है वो किराए पर था, क्योंकि रेंट रिसीव हो रहा था। ध्यान से जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रखा है उस पर ध्यान दो, है कि नहीं बात सर? ये मकान किराए पर था। असली मजेदार कहानी क्या है सर? असली मजेदार कहानी है, अगर ये मकान किराए पर ना होके लेट आउट हो जाए, सॉरी, ये मकान किराए पर या लेट आउट होने के बजाय सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाए, तो क्या कहानी है सर? तो क्या कहानी है? तो कछु भी ना है सर, बिल्कुल सही है। ये भैया आ गए हमारे दिलरुबा, ये उनके आगे ब्रो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे मकान की पहले मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में एन ए वी नील मान के फिर ये निकाल लूंगा, ना मुन्ना ना, क्योंकि क्योंकि ये खतरनाक बात जो इस कॉन्सेप्ट में लिखी है वो ये बहुत 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 ज्यादा डेंजर बात है, बहुत 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 ज्यादा डेंजर बात है। अगर को ओनर है, अगर मुन्ना क्वेश्चन में को ओनर है, तो मुझे एक बात बताओ जो बहुत ध्यान से, जो बच्चे कच्चा खा जाते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या होती है? लिमिट होती है, लिमिट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो लिमिट होती है इंटरेस्ट की, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमेशा लिमिट होती है इंटरेस्ट की, तो जो लिमिट होती है इंटरेस्ट की वो या तो होती है सर 30,000 रुपए की, या फिर वो लिमिट होती है 2,00,000 रुपए की। 30,000 2,00,000 रुपए की लिमिट होती है या नहीं होती है? अरे भैया होते नहीं होती? हाँ सर बिल्कुल होती है। तो ये जो लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड की दे रखी है हमें, ये एक मकान की होती है, एक लोन की होती है, या एक एसएससी की होती है, एमसीक्यू, एमसीक्यू सर आपने कई कई बार चीख चीख के बताया, जी हाँ चीख चीख के बताया, ये एक एसएससी की लिमिट होती है, यानी 30,000 लिमिट इज ऑफ अ वन वन एसएससी, एक एसएससी की लिमिट है, राइट। हम ये बात सर समझ चुके थे केस 6 में भी कि एक एसएससी की लिमिट होती है, उसके पास कितने ही मकान हो कितने ही लोन हो उसकी लिमिट है। अगर एक एसएससी की लिमिट है 30,000 और 2,00,000 रुपए, एक एसएससी की लिमिट है 30,000 और 2,00,000 रुपए, तो भैया दिल रुबा क्या हो गए? दिल रुबा हो गए एसएससी नंबर 1, और मुन्ना ब्रो क्या हो गए? दिल रुबा के भैया ब्रो क्या हो गए? मिस्टर ब्रो हो गए एसएससी नंबर 2, यानी डैडी मम्मी, सुनील शेट्टी 1, सुनील शेट्टी 1, सुनील शेट्टी 2, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। अगर भैया दुई दुई बाप है, दुई दुई बाप है मकान के, तो लिमिट भी तो अलग अलग होनी चाहिए एसएससी की, यानी एक लिमिट नहीं होगी। अब यहाँ पे डबल मजा आ गया, डबल मजा सर, डबल मजा बोले तो सर, अगर एसएससी वाइज लिमिट है इनकम टैक्स में, तो अब मैं एक एसएससी की लिमिट 2,00,000 अलग दूंगा और दूसरे एसएससी की लिमिट 2,00,000 अलग दूंगा। इसका मतलब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है मुन्ना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कोओनर, अगर को ओनर है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये हमारे, है ना, दिमाग में फिट हो जानी चाहिए बात, दो अलग अलग कैलकुलेशन। सर दो अलग अलग कैलकुलेशन कैसे होगी? जीएवी यहाँ कुछ भी नहीं होती, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर यहाँ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड में सर एनएवी नेट एनुअल वैल्यू ही क्या होती है? नील होती है, नेट एनुअल वैल्यू ही नील होती है, राइट। फिर जब सर डिडक्शन देंगे, तो सेक्शन 24 को जब घटाएंगे, तो पहले डिडक्शन होती है 30% ऑफ एनएवी, वो नील का नील ही आएगा, और यहाँ पे नील का नील ही आएगा। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। अब मुन्ना जब मैं यहाँ पर माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, जब मैं यहाँ पर माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, तो यहाँ पर जो होगा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ये
इसमें जो मैं लिमिट लगाऊं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो दोनों एसएससी को अलग अलग लिमिट मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन कैलकुलेट कर लूंगा, जैसे मैं करता आया हूँ। कैसे करता आया हूँ सर? पूरी टाइमलाइन बनाकर, ये मेरा फिक्स पीरियड मेरे एग्जाम का, और ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और फिक्स पीरियड को दोनों को ऐड कर दूंगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और फिक्स पीरियड को दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि अगर मेरा लोन है ना चल रहा है एक ही हाउस प्रॉपर्टी पर, राइट, तो भैया मैं उस हाउस प्रॉपर्टी का पूरा इंटरेस्ट निकाल दूंगा। पूरा इंटरेस्ट निकालने के बाद दोनों भैयों में सुन 51 सुन 52 या डैड है कि नहीं बात, यहाँ पे दिल रुबा ब्रो में जो भी को ओनर है, दोनों को ओनर में बराबर बराबर बांट दूं, क्योंकि उनका शेयर भी कितना है, बराबर बराबर है। तो हम मानेंगे इंटरेस्ट भी वो कितना दे रहे होंगे बैंक को, इंटरेस्ट भी वो बैंक को बराबर बराबर दे रहे होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर इंटरेस्ट सिर्फ दिल रुबा दे रहे हैं है कि नहीं बात, तो सिर्फ इंटरेस्ट में रखा जाएगा, इंटरेस्ट दोनों बराबर बराबर दे रहे हैं तो भैया दोनों को बराबर बराबर रखा जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी 2 लाख रुपए या 30,000 रुपए, विच एवर इज लेस। और यहाँ पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और लिमिट लगानी पड़ेगी 2 लाख रुपए या 30,000 रुपए, विच एवर इज लेस, राइट। अब बताओ इससे फायदा है कि नहीं है, इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। फिर जब ये हुआ इसके बाद मेरा मुन्ना आंसर आएगा, इसके बाद मेरा आंसर आएगा शानदार जानदार, ये आंसर हुआ भैया दिलरुबा जी का और ये आंसर हुआ उसके ब्रो का, राइट। तो ध्यान से नोट करेंगे को ओनर की कहानी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, को ओनर की कहानी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। यही यही मुन्ना, जाने अनजाने मैंने तुम्हें पता क्या पढ़ा दिया, जाने अनजाने मैंने तुम्हें आज की शानदार जानदार टैक्स प्लानिंग पढ़ा दी। जो मेरा ये घर है, ये जो मेरा ये घर है, राइट, ये भैया मम्मी पापा के नाम पर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि तुम भी अपने घर में रह रहे हो, मैं भी अपने घर में रह रहा हूँ, माता पिता भी अपने घर में रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में सिर्फ अगर पिताजी लोन ले लें, बहुत सुनना ध्यान से, बहुत बहुत मजेदार, बहुत ही शानदार राज की टैक्स प्लानिंग बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जिंदगी में ये जरूर अपनाना है। इसमें कोई टैक्स की चोरी नहीं है, हम वही कर रहे हैं जो भैया हमारे इनकम टैक्स विभाग ने हमें कहा है, वही टैक्स प्लानिंग तुम्हें बता रहा हूँ। तो भैया टैक्स प्लानिंग क्या है सर? जिस घर में मैं रह रहा हूँ, जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड होने की वजह से लिमिट लगती है। तो लिमिट मान लो अगर पिताजी के नाम पे घर है, पिताजी ने ही लोन लिया, तो सिर्फ पिताजी की लिमिट हुई 2 लाख रुपए। मान लो पिताजी ने इंटरेस्ट दिया 3 लाख रुपए, तो भैया यहाँ आएगा 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, ये होगा। अगर यही घर मेरा, यही मेरा घर, अगर पिताजी और मम्मी ने एक साथ मिलकर ज्वाइंट कोनर के टाइम के तरीके से ले रखा है, कोनर टाइप में ले रखा है, तो और दोनों ही आधा आधा ब्याज पे कर रहे हैं, दोनों ही आधा आधा ब्याज पे कर रहे हैं, तो मैं यह लिखूंगा 3 लाख रुपए टोटल ब्याज जा रहा है बैंक को। लेकिन बैंक कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, आप भी दे दो, आप भी दे दो, हमें तो अपने ब्याज से मतलब है, 3 लाख रुपए डेढ़ आप दे रहे हो, डेढ़ आप दे रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, अब मैं अपने घर में लिखता हूँ इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपया, इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपया और 2 लाख, विच एवर इज लेस 1.5 लाख। मम्मी ने लिख दिया, पिताजी ने भी इंटरेस्ट 1.5 लाख का दिया और 2 लाख, विच एवर इज लेस, तो कितना है 1.5 लाख। यहाँ पे आंसर आ गया माइनस के 1.5 लाख, यहाँ पे भी आंसर आ गया माइनस के 1.5 लाख, यानी 1.5 और 1.5 पूरे के पूरे 3 लाख की डिडक्शन मिल गई। और यही 1.5 लाख रुपए है कि नहीं बात, क्या कर सकता हूं मैं, माता जी यानी को ओनर 1 किसी और हेड से एडजस्ट कर सकती हैं, यही माता जी 1.5 लाख रुपए को ओनर 2 पिताजी किसी और हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर सिर्फ पिताजी लोन ले या अगर सिर्फ माता जी लोन ले, तो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होने की वजह से लोन अगर 2 लाख से ऊपर का है, लोन अगर 2 लाख से ऊपर का है, तो मुन्ना आप 2 लाख की ही रिडक्शन ले पाएंगे, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। लोन अगर 2 लाख से ऊपर का कोनर हो मकान के, लोन अगर 2 लाख से ऊपर का कोनर हो मकान के, तो भैया 2 लाख यहां दी जा सकती है, 2 लाख यहां भी दी जा सकती है, टोटल 4 लाख की डिडक्शन मिल सकती है आपको। ये है शानदार जानदार सर टैक्स प्लानिंग कोनर की। तो जिंदगी में क्या याद रखना है, वैसे तो आप गाना गाते हो सर, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, सही बात है, जितने भी मौसम दिए वो सब नम दिए, सही बात है, लेकिन भैया जिंदगी में ये बात जरूर याद रखना, जिंदगी में आगे कभी अपना मकान बनाओ लोन पर, है ना, राइट। तो भैया लोन मिलके लेना, भाई भाई, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, है ना, ऐसे परिवार में लोन मिलकर लेना, ठीक है,
क्योंकि उस मकान को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर करोगे, देखो लेट आउट अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेट आउट मतलब सिंपल है जैसे हमने भी क्वेश्चन किया, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे, देखो क्या लिखी है बात, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे तो एनुअल वैल्यू तो दोनों की क्या होगी, नील होगी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एनएवी नील होगी। लेकिन सबसे डेंजर बात, इसलिए भैया बॉम्ब भी बना रखा है और यहाँ खतरा भी बना लो, सबसे डेंजरस बात यह है, ईच ऑफ द कोनर, क्या वर्ड लिखा है मुन्ना, ईच 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 ऑफ द कोनर एंटाइटल फॉर डिडक्शन 30,000 और 2,00,000, दोनों ही कोनर को 30-30 की अगर रिपेयर के लिए लिया है लोन और 2-2 लाख की अगर परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिया है, डिडक्शन मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी शानदार शानदार तरीके से, सेक्शन 26 है ना, बिल्कुल आपके घुटनों में समा चुका होगा स्पेशल 26 की तरह। तो दोस्तों चलते हैं ज्ञान की सेवा की बात पर, बहुत ही गहरा ज्ञान। अगर इनकम मेरी ऐसे घर से है जो घर मेरा इंडिया के बाहर है, पूरी दादा घर इंडिया के बाहर है, हाँ सर, तो इसके बारे में तो पढ़ा चुका हूं पहले ही, जो मैंने तुम्हें केस भी पढ़ा रहा था बर्मा वाला, जहां पर हमने जाना था कि घर अगर इंडिया के बाहर है तो उसका म्यूनिसिपल टैक्स भी हम घटा सकते हैं जो पेड टू म्यूनिसिपैलिटी को किया गया है। तो दोस्तों तो यही बात ये कहता है कि सिमिलरली अगर आपका घर इंडिया के बाहर है और आप ROR है तो उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम तरीके से होगी जैसे कि वो घर इंडिया के अंदर है। यानी अगर वो घर 12 महीने लेट आउट है तो भैया उसके ऊपर केस 1 लगाएं, उसमें वैकेंसी है तो भैया केस नंबर 3 लगाएं, है ना, 23C है कि नहीं बात, राइट। अगर वो घर इंडिया के बाहर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भैया 23-2A 23-2B ये लगाए। यानी कि अगर इंडिया के बाहर घर है, आउटसाइड इंडिया घर है, तो भैया कोई टेंशन नहीं लेने का, जैसे आप इंडिया में करते आए बिल्कुल वैसे ही करेंगे, राइट। क्योंकि ROR के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, राइट। इन केस नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सच इनकम इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड इनकम इज रिसीव आउटसाइड इंडिया, इफ दैट इज इफ इनकम इज नॉन रेजिडेंट और NOR ऑल्सो, है कि नहीं बात। If income is received in India, it will be taxable in case of non-resident and NR also. यानी सिंपल सी बात, जैसा हमने residential status वाले चैप्टर में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर कोई बंदा non-resident है ना, right? तो अगर कोई बंदा non-resident है, तो क्या करना है सर? अगर non-resident होता है, तो earn in India taxable होता है, received in India taxable होता है, है कि नहीं बात? Earn outside India and receive outside India exempt. तो भैया अर्न हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो अर्न आउटसाइड इंडिया हो गया, तो रिसीव आउटसाइड इंडिया होगा, राइट। और अगर वो NOR है तो उसके लिए तीसरी कैटेगरी में अर्न एंड रिसीव, भैया आउटसाइड इंडिया याद आ रहा होगा, तीसरी कैटेगरी में राइट, टैक्सेबल तभी होगा जब हेड ऑफिस और कंट्रोल इंडिया में होगा। और अगर वो ROR है और अगर NR है तो भैया यहाँ कांटा लगता है। और अगर रिसीव इन इंडिया है, मान लो हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है और आप पैसा रेंट डायरेक्ट रिसीव इन इंडिया कर रहे हो, तो रिसीव इन इंडिया कर रहे हो तो भैया RNOR के लिए भी टैक्सेबल है और NR के लिए भी टैक्सेबल। यानी वही चार्ट, वही डायग्राम, वही SR के लगाना जो मैंने तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस वाले में पढ़ाया था। यानी इन शॉर्ट, अगर ROR है तो बिल्कुल टैक्सेबल है, कोई टेंशन ही नहीं है। RNOR है, ठीक है ना, रिसीव इन इंडिया है रेंट डायरेक्टली तो टैक्सेबल है, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया है तो टैक्सेबल तभी होगा अगर हेड ऑफिस कंट्रोल उसका इंडिया से चल रहा होगा। और अगर NR है तो रिसीव इन इंडिया है रेंट तो टैक्सेबल होगा, रिसीव इन अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया तो टैक्सेबल नहीं होगा, वही गेम खेलना है, यही बात यहां लिखी है, राइट। तो भैया क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि वो बंदा ROR है तो उसको बिल्कुल ऐसे टैक्सेबल करेंगे जैसे इंडिया में टैक्सेबल करते हैं, सेम कैलकुलेशन करनी है, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। अब सबसे गंभीर बात, सबसे ज्यादा गंभीर, बिल्कुल गौतम गंभीर से भी गंभीर बात बताने जा रहा हूँ, गौतम गंभीर से भी गंभीर बात, वो ये कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गुच्छा खा जाते हैं। टाइप 1, देखो टाइप 1 किस तरह का होगा, टाइप 1 में आपके पास 2 घर होंगे या 3 घर होंगे, है ना, राइट, 2 घर दे रखे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 separate houses are given, एक घर दे रखा होगा मान लो जयपुर में,
एक घर दे रखा होगा भैया नोएडा में, दो अलग अलग घर दे रखे हैं, दो अलग अलग घर है, राइट। तो समझ लो भैया टू हाउसेस, देयरफॉर देयर इज अ टू क्वेश्चन, दो घर है दो क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन हो गए मतलब दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करना है। जयपुर वाला घर सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर वन, नोएडा वाला घर सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर टू, दोनों को बिल्कुल अलग अलग सॉल्व करो। सर कैसे? जयपुर वाले घर की जीएवी अलग, जयपुर वाले घर के म्युनिसिपल टैक्सेस अलग, पहले मैं जयपुर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जयपुर वाले घर की एनएवी अलग, पहले जयपुर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसमें से सेक्शन 24 की डॉन रिडक्शन घटाएंगे और फिर एनएवी आ जाएगी जयपुर वाले घर की। खत्म का जयपुर का डंडा खत्म। फिर आएगा भैया हमारे पास कौन? नवेडा। नवेडा वाले घर का अलग क्वेश्चन, बिल्कुल नवेडा वाले घर की जीएवी अलग, नवेडा वाले घर का माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर अलग, नवेडा वाले घर की एनएवी अलग, राइट, और माइनस सेक्शन 24 नवेडा वाले घर का बिल्कुल अलग। और ये मेरी भैया है ना, सॉरी यहाँ पे एनएवी लिख दिया, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यही यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा बिना टेंशन के। यानी कि दो घर है कि नहीं बात, दो अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन, दो घर दो अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन, बात खत्म, खेल खत्म, ठीक है सर। बात समझ में आ चुकी है? बोलो सर, मजा ही आ चुका है, बात भी समझ में आ चुकी है। ये मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया सर। ये मेरा हो गया टाइप नंबर वन, जहां पे मेरे पास दो घर दे रखे थे। टाइप नंबर टू, ये है सबसे शानदार, एक भैया बहुत बड़ा घर होगा तुम्हारा, बहुत बड़ा, क्या मतलब सर? हाँ, बहुत बड़ा घर होगा। अब चाहे वो घर ऐसा हो जैसे मैं बना रहा हूं, चाहे वो बिल्डिंग पे ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बने, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, ऐसे एक ही बात है, चाहे इसको आप ऐसे बड़ा घर मान ले, चाहे इसको आप खड़ा कर दे और फ्लोर वन फ्लोर टू फ्लोर थ्री कर ले, राइट। उसमें पता क्या रखा होगा, सुनना ध्यान से, उसमें क्या रखा होगा भैया, इस घर का 25% पोर्शन अलग है, इस घर का 25% पोर्शन अलग है और 50% पोर्शन अलग है, राइट। कुछ इस तरीके से रेशियो बना रखे होंगे, मान लो उसमें लिखा होगा 25% को तो मैंने लेट आउट कर रखा है, 25% को मैंने लेट आउट कर रखा है 12 महीने, साफ साफ ये है ना, वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। फिर लिखा होगा 25% को मैंने 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, या फिर सोलो किया, या फिर वैकेंसी किया, कोई भी केस तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। मान लो 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैंने लिख दिया 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी मुन्ना जो 50% है, 50%, ठीक है ना, वो 50% क्या है सर? वो 50% है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, 50% मैं अपना बिजनेस करता हूँ, धंधा करता हूँ, है ना, बिजनेस गुजराती भाषा में धंधो है भैया, धंधो है क्या करें, दुकान खोल रखी है, गोडाउन खोल रखा है, कोई भी ऐसे कुछ दे रखा होगा एग्जाम में, ठीक है मुन्ना? हाँ सर, बात समझ आ रही। अब क्या करना है, बच्चों को ये थोड़ा टिपिकल सा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान यही है मुन्ना, सबसे ज्यादा आसान यही है सर। कैसे पता क्या, ये जो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ये जो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ इसका, इसी में ही पूरी कैलकुलेशन हो जाती है। अब एक बात अगर तुमने गौर से देखी होगी तो हाउस प्रॉपर्टी में कितने मेहमान आए? हाउस प्रॉपर्टी में 6 मेहमान आते हैं, फिक्स 6 मेहमान। कैसे सर? मोटा मोटी देखो, एक आता है फेयर रेंटल वैल्यू, पहला मेहमान, दूसरा मेहमान आता है म्युनिसिपल वैल्यू, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट, चौथा एक्चुअल रेंट, ठीक है, चार मेहमान तो ये जिससे जीव निकलती है, पांचवा मेहमान कौन होता है? पांचवा मेहमान होता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, ठीक है, पांचवा मेहमान। छठा मेहमान कौन होता है? छठा मेहमान होता है आपका इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ठीक है, यानी कि जो आपका घर है उसके ऊपर आपने जो ब्याज, लोन के ऊपर ब्याज दे रहे हो, जो आप जानते हो सेक्शन 24, ठीक है ना भैया, ये मेहमान आ गए सेक्शन 24, और ये सब चीजें। छह मेहमान है, अब छह मेहमान जो दे रखे हैं इनकी वैल्यू क्वेश्चन में ढूंढो, क्वेश्चन करूंगा पहले समझ लो कैसे करना है, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में ढूंढो। फेयर रेंटल वैल्यू कौन बताता है? सुनना ध्यान से, बहुत 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 खतरनाक बताना चाह रहा हूँ। फेयर रेंटल वैल्यू कौन बताता है सर? फेयर रेंटल वैल्यू आसपास की मार्केट बताती है कि इस मकान का जो किराया नॉर्मली कितना चलता है आसपास की जगहों पर, तो पूरे मकान की वैल्यू बताएंगे, वो कमरे की वैल्यू नहीं बताएंगे, तो पूरे मकान की वैल्यू, इसलिए इसका तीर जाके लगा मकान की दीवार पर, तीर लगा सीधा, राइट।
फेयर रेंटल वैल्यू पूरे मकान की बताइए, मतलब फेयर रेंटल वैल्यू बताइए पूरे मकान की 10,000, तो इसे इस रेशियो में बांट दो, क्या तुम 25-25-50 रेशियो नहीं बना सकते? सर ये रेशियो हो गया 1:1:2, बिल्कुल अकाउंट्स की तरह। अब रेशियो में बांट दो, सर ये 2500 आएगा, यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2500 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5000। ठीक है, पहले रेशियो के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना बिना टेंशन। मान लो म्यूनिसिपल वैल्यू है, म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखिए 20,000 रुपये, तो म्यूनिसिपल वैल्यू को हम बताते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू बताते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले, तो वो कमरे की आके बताएंगे भैया इस कमरे की कितनी वैल्यू है, इस कमरे की कितनी वैल्यू, इस कमरे की कितनी वैल्यू, ना वो आएंगे कहेंगे भैया पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है तो तुम्हारी पूरी बिल्डिंग की वैल्यू बताई जाएगी, इसका भी तीन लगेगा दीवार पे जाके, तो इसका भैया इसको भी बांट दो। सर ये हो गया 5000, ये हो गया 5000 और ये हो गया भैया 10,000। बोलो मजा ही आएगा सर, मजा ही आ गया। ऐसे स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है, इसका तीर भी कहाँ लगेगा सर? इसका तीर भी दीवार पे जाके लगेगा, क्योंकि ये भी पूरे मकान की स्टैंडर्ड वैल्यू बताएगा। मान लो ये दे रखा है 40,000, तो क्या होगा सर? सर ये 10,000, ये 10,000 1:1:1 में ना 1:1:2 में बांट दिया और ये 20,000। अब है सबसे गंभीर खतरनाक डेंजर बात, एक्चुअल रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट दे रखा है फॉर एग्जाम्पल पूरे साल का है ना, मतलब 10,000 रुपये महीना दे रखा है, तो पूरे साल का हो गया 1,20,000, तो ये पूरे साल का 1,20,000 का तीर कहाँ जाके लगेगा? तो पूरे घर की दीवार पर लगेगा। नलायको क्या एक्चुअल रेंट जनवरी डा मैंने कहा था ना बाबूजी नहीं मानेंगे, है कि नहीं बात? क्या बिजनेस, क्या बिजनेस जब तुम कर रहे हो, अगर मकान में इस कमरे में पढ़ा रहा हूँ अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो खुद को किराया दूंगा क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड में खुद को किराया जाता है क्या? ना मुन्ना ना। तो एक्चुअल रेंट जो है, एक्चुअल रेंट का तीर लगता है एक कमरे में जाके जितना पोर्शन में लेट आउट कर रखा है। तो भैया एक्चुअल रेंट, बस यही गलती एग्जाम में हो जाती है बच्चों से, एक्चुअल रेंट को गलती से भी रेशियो में मत बांट देना, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो सिर्फ उसी पोर्शन का आएगा जो मकान लेट आउट हुआ है, जो मकान का हिस्सा लेट आउट हुआ है। तो पूरे के पूरे 1,20,000 यहाँ आएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, समझे बात? इसी पे फोकस करना है। फिर म्यूनिसिपल टैक्स पेड आया, सर म्यूनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है लेट से 10,000। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, क्या किसी कमरे का म्यूनिसिपल टैक्स आएगा? भैया म्यूनिसिपल टैक्स है कि नहीं बात? वाटर टैक्स, फायर टैक्स, भैया पूरे मकान का जाता है रे, तो इसका तीर कहाँ लगेगा सर? इसका तीर लगेगा मकान की दीवार पर, राइट? तो बांट दो भैया 2500 रुपया, 2500 रुपया, 5000 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, मुन्ना मुन्नी, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, इंटरेस्ट जो है वो मैंने कमरे को बनाने के लिए होगा ना, पूरे घर का जो इंटरेस्ट लिया तो उसका तीर भी कहाँ जाएगा सर? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन का तीर लगेगा घर की दीवार पर, ठीक है। मान लो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन दे रखा है कितना सर? दे रखा मान लो 60,000, राइट? तो भैया 60,000 दे रखा है, 60K, तो बांट दो भैया 60,000, है ना? तो ये आ जाएगा सर 15,000, ये आ जाएगा सर 15,000 और ये आ जाएगा सर 30,000, ठीक है। वो दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से, राइट, हमें काम करना है, राइट? इस तरीके से मुझे एग्जाम में बस ये बात याद रखनी है, एक्चुअल रेंट का जो है वो तीर एक ही कमरे में जाके लगता है और किसी कमरे में जाके नहीं लगता, जो मैंने लेट आउट किया उसी कमरे में जाके लगता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो मेहमान है 5, फेयर रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ये सारे के सारे रेशियो में बांटे जाते हैं। अब जैसे आपने ये मसला रेशियो में बांट दिया सर, इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद मुन्ना इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम मानते हैं कि भैया घर के अलग अलग हिस्से हैं, दो सारे घर अलग अलग हैं। यानी अब देखो बिजनेस, बिजनेस वाला जो पोर्शन है, सुनना ध्यान से, ये जो बिजनेस वाला पोर्शन है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी में, ये कहां पे जाएगा? इट विल बी, ये लिखते हैं ना साथ साथ, इट विल बी ट्रीटेड इन पबजी, पीजीबीपी में जाएगा, राइट? यानी ये वाली वैल्यूज जो है वो हम कहाँ लेके जाएंगे? पीजीबी, यानी ये आपका जो खर्चा है ये सारा का सारा पीजीबी में ट्रीट होगा, राइट? तो बिजनेस पोर्शन को मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर शेडेड कर देता हूँ,
शेड करने का क्या मतलब हुआ सर? शेड करने का मतलब हुआ कि भैया मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, यानी इस जगह पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, राइट? क्योंकि ये सारा का सारा कहाँ जाएगा सर? ये सारा का सारा जाएगा पीजीबीपी में, सारा का सारा जाएगा पीजीबीपी में। तो इसको मैंने है ना हाईलाइट कर दिया, मैं पीजीबी में लेके जाऊंगा। हाउस ऑफ में इसका कोई लेना देना नहीं है। नो ट्रीटमेंट इन हाउस ऑफ इफ हाउस इज ऑन बिजनेस मोड, यानी हाउस में अगर बिजनेस कर रहा हूँ, राइट? अब सर ये जो लेट आउट है, सर ये जो लेट आउट पोर्शन है, इसका ट्रीटमेंट हाउस प्रॉपर्टी में होगा, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का ट्रीटमेंट भी हाउस प्रॉपर्टी में होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मुन्ना, इसको सॉल्व करना है बिल्कुल वैसे जैसे दो अलग अलग घर होते हैं। मैं फॉर्मेट बनाऊंगा ऐसे, ठीक है मुन्ना? ये फॉर्मेट बनाऊंगा, ध्यान समझना। अब ये मैंने फॉर्मेट बनाया, पहला वाला पोर्शन है मेरा 12 महीने लेट आउट, 12 महीने लेट आउट, 23-1A, 23-1B। दूसरा वाला पोर्शन क्या है मुन्ना मेरा? दूसरा वाला पोर्शन है मेरा, बोलो जल्दी, 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड, 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है? इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब साथ साथ मैं यहां पर बिल्कुल है ना, एग्जाम में तो खैर मैं रेड पेन यूज नहीं करता, लेकिन यहां आपको समझाने के लिए रख रहा हूं। ये है मेरा सर 25% पोर्शन, और ये भी मेरा सर 25% पोर्शन। ये 25 की जगह 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, है कि नहीं बात? पोर्शन क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो सकता है, राइट? अब पहले मैं लेट आउट सॉल्व कर रहा हूं, सुनना। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स क्या बचेगा सर? एनएवी, एनएवी से माइनस सेक्शन 24, पहला 30% स्टैंडर्ड और दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, मेरा आंसर आ जाएगा, आप जानते हैं बिना किसी टेंशन के, राइट? अब अगर मुझे सॉल्व करना है लेट आउट वाला पोर्शन, चलो पहले सर ये सॉल्व कर लेते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड में आप जानते हो 25% पोर्शन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनएवी ही क्या होती है? एनएवी हो जाती है मुन्ना निल। एनएवी क्या हो जाती है सर? एनएवी हो जाती है निल, 30% ऑफ एनएवी भी निल। अब इंटरेस्ट कितना था? ध्यान से अगर देखो तो सर इंटरेस्ट था 60। सब कुछ मुझे वर्किंग नोट में से लेना है, यानी सब कुछ मुझे यहां से टीपना है, यहां से टीपना है, यहां से मुझे कहीं और दिमाग लगाना नहीं, सब कुछ यहां से टीपना है। यहां से टीपो, इंटरेस्ट कितना है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का? सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन सा है सर? बीच वाला। तो इंटरेस्ट कितना है सर यहाँ पे? इंटरेस्ट है मेरा सर यहाँ पे 15,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मुन्ना याद रखना लिमिट मत भूल जाना, तो 15,000 है 15,000, और कंस्ट्रक्शन के लिए तो 2,00,000 विच एवरेज, रिपेयर के लिए था 30,000 विच एवरेज लेस, इंटरेस्ट यहां आ गया विच एवरेज लेस करके 15,000। तो ये मेरा आंसर आ गया -15,000। बोलो सर मजा आएगा, मजा आएगा सर। 25% सॉल्व, खेला खत्म। अब 25% यहां से सॉल्व करना है मुझे लेट आउट, लेट आउट वाला पोर्शन है मेरा ये वाला सर, लेट आउट वाला पोर्शन है मेरा ये वाला, ठीक है ना? ये पूरा पोर्शन मेरा सर लेट आउट वाला, जो मैंने ग्रीन पेन से डब्बा बना दिया। अब सर इसमें क्या करना है आपको बताइए? फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, 5,000, 5,000 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, 5,000 लोअर है ना, 5,000 और एक्चुअल रेंट 1,20,000, क्योंकि इसी का ही किराया आएगा, विच एवर इज हायर सर 1,20,000। तो भैया जीएवी मेरी कितनी हो गई यहाँ पे? 1,20,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना है सर? म्युनिसिपल टैक्स पेड है 2,500 सर। ये मैंने यहां से पिक कर लिया ये वाला पोर्शन, जो मैंने रेशियो में बांटा था, बस वो रेशियो पिक करते चले जाओ सर, 2,500, ठीक है ना सर? 1,20,000 माइनस 2,500, ये आ गया मेरा सर 1,17,500 सर। इसका 30%, ये आ गया मेरा सर 35,250 ब्याज, ब्याज मेरा ये पिक कर लिया जो मेरा रेशियो था 15,000। तो यहां मेरा भैया ब्याज आ गया 15,000, राइट? तो भैया 1,17,500 माइनस 35,200 माइनस 15,000, ये आ गया मेरा सर 67,300। अगर तुमने इस पे गौर फरमाया हो मुन्ना, अगर तुमने इस पे गौर फरमाया, तो मैंने क्या किया, पीजीबीपी वाला तो पीजीबी में लेके जाऊंगा, यहां मेरा कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। 25% पोर्शन मैंने वर्किंग नोट जो ऊपर बनाया ना एसआर के, उसमें से टीप दिया। 25% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो मैंने वर्किंग नोट बनाया उसमें से टीप दिया, यानी जो भी करना है वर्किंग नोट से करना है। लेकिन हाँ, दो अलग अलग क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे, बिल्कुल फॉर्मेट एग्जाम में ऐसे बना के ना, कोई दिक्कत नहीं, राइट? फाइनल आंसर अगर कोई पूछे मुन्ना मुझसे क्या होगा, तो भैया सेक्शन 70 क्या बोलता है?
एक घर में लॉस हो और दूसरे घर में प्रॉफिट हो, तो घर घर भाई भाई आपस में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट एडजस्ट खेल सकते हैं। तो सेक्शन 70 के हिसाब से मैं दोनों को एडजस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो माइनस करूंगा 15,000, तो भैया मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 52,300 इज माई फाइनल फाइनल डंडन लंडन आंसर आ चुका है। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ चुकी है सर? बिल्कुल समझ में आ चुकी है, बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। तो मुद्दा है हमारा ये कि भैया टाइप वन में दो घर दे रखे होंगे, टाइप टू में घर के पार्टीशन होंगे या बिल्डिंग होगी, फ्लोर वन फ्लोर टू फ्लोर थ्री, इसका रेशियो बता रखा होगा। रेशियो 25 यानी 25%, 25%, 50%, 30, 30, 40, कोई भी रेशियो बता सकता है। हमें तो करना है 6 मेहमान उठाने हैं, 6 मेहमानों को उसी रेशियो में बांट देना है, एक्चुअल रेंट को बस वही रखना है जो घर किराए पर दिया गया है। ठीक है, तो भैया हर पोर्शन का केस पहचान लेना है और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने अभी पहचाना केस कि एक केस है 12 महीने लेट आउट, एक केस है 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर बात समझ में आ चुकी है? बिल्कुल मजा ही आ चुका है। सर कुछ और बात हो तो खतरनाक सी बता दो, खतरनाक सी। भाई और बहनों, देखियो सचिन भाई, आज भी हम बैंक में पैसे उठाते हैं, तो बस इसी बात को याद रखते हैं। एक, अब तक के हाउस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी डेंजर बात, अब तक के हाउस प्रॉपर्टी की सबसे सबसे बड़ी डेंजर बात, इतनी डेंजर बात मैंने तुम्हें आज तक बताई ही नहीं। बस क्या होता है, इससे हड्डिया हड्डिया बना लेना, खतरा खतरा बना लेना, बहुत ही शानदार खूनम खून। सर क्या डेंजर होता नजर आ रहा है? सर जल्दी सर राज बोल दो सर, राज की बात सुनो ध्यान से। जनरली अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए या तुमने भी जितने भी क्वेश्चन अपने बुक में से जो भी रेफरेंस बुक है, आईसीआई की बुक है, जो करे हैं, मोस्टली तुमने एक बात देखी आए, क्या देखी? सर फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, जनरली हम कितने महीने का लेते हैं? जनरली 12 महीने का लेते हैं, 12 मंथ है ना का लेते हैं, है ना? ये हमने सीखा। हाँ सर ये सीखा, बिल्कुल सुनना की बात। लेकिन लेकिन सर क्या कहने जा रहे हो, डरा रहे हो? सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, बहुत लॉजिकल है, मतलब तुम भूलोगे नहीं कभी ये बात, लॉजिक समझो। अगर मुन्ना मेरा घर, मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा है और मेरा घर अपने प्रीवियस ईयर में है ना, मेरा घर अपने प्रीवियस ईयर में मान लो 1 जुलाई को कंप्लीट हुआ है ना, ठीक है, 1 जुलाई की जगह मान लो 30 जून लिखते तो और समझ में आएगा ना, 30 जून को कंप्लीट हुआ, बन के तैयार हुआ, या फिर मैंने 30 जून को परचेज किया, मैंने अपने प्रीवियस ईयर में मकान को 30 जून को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया या 30 जून को परचेज किया। जब मेरा मकान ही 30 जून को खरीदा गया है, समझना मुन्ना ध्यान से, खोपड़ी खुली रखो, मेरा मकान ही मैंने 30 जून को परचेज किया है, मेरा मकान ही 30 जून को बन के तैयार हुआ है। जर्नली हम ये लेते हैं कि फेयर रेंटल वैल्यू मुन्ना, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, पूरे 12 महीने का ले लेते हैं। तो अगर मेरा मकान 30 जून को खरीदा गया है तो भैया अप्रैल मई है ना और जून, पूरा जून निकल गया, अप्रैल को मेरे पास मकान ही ना था, मकान ना था मुन्ना, तो क्या करूं बताओ? मई को भी मेरे पास मकान नहीं था और जून को भी ना तो भैया मकान मेरा जून को भी ना तो, जब मेरे पास मकान खरीदा हुआ ही नहीं था, मैंने मकान कब खरीदा मुन्ना, मुन्ना मुन्नी हो, मैंने मकान कब खरीदा है, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा, मैंने मकान खरीदा 30 जून को, ठीक है, तो अप्रैल में मेरे पास मकान ही नहीं है, मई में मेरे पास मकान नहीं है, जून में मेरे पास मकान नहीं है, तो अप्रैल को मेरे पास एक बंदा आया, भैया जो मकान आपने लिया ही नहीं है उसकी फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है? भैया मेरे को क्या पता है, जब मेरे पास मकान नहीं तो मुझसे चले पे नमक छिड़क रहे हो कि भैया गरीब आदमी है, मकान नहीं है हमारे पास है, छेड़ो में भैया मेरे मकान में कहा बता दूंगा फेयर रेंटल वैल्यू कितनी। मई में आए एक और बंदा,
भैया जो आपके पास मकान है नहीं, पर आप कभी मकान लोगे तो उसकी महीने क्या कहते हैं बताना जरा, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी? अभी एक तो मकान नहीं हो, फिर से इंसल्ट कर रहा है। जून में आ जाओ भैया, स्टैंडर्ड रेंट कितना है मकान का, जब है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो मैं कहाँ से बता दूँ, समझ में आई हुआ? यानी कि मुन्ना, जो चीज तुम्हारे पास अप्रैल में ही नहीं है, मई में ही नहीं है, जून में ही नहीं है, उसके बारे में बात क्यों करनी? अब तुम्हारी शादी हुई नहीं है तो अपने बच्चों का नाम रख लोगे पहले ही, शादी हुई नहीं। लेकिन मैं अपने बच्चे का नाम ना चिंटू रखूंगा, कितना प्यारा नाम है, चिंटू चिंटू, अरे चिंटू बेटा, चिंटू चिंटू, है कि नहीं बात? राइट। दूसरे दिन तुम सोच रहे हो अगले महीने चिंटू में मजा नहीं आ रहा, मैं अपने बेटे का नाम पिंटू रखूंगा, पिंटू पिंटू। अबे शादी कर लो पहले, बालक कर लो पहले, उसके बाद ही नाम सोच रहे, नामकरण कर लेना, है ना? पढ़ाई की उम्र चल रही है, बच्चों के नाम डिसाइड कर रहे हो तो बच्चों के नाम अभी से डिसाइड कर लोगे, जब बच्चे ही ना है तो वही बात है। तो भैया जब मकान नहीं है, जैसे बच्चा नहीं है तो बच्चे के नाम डिसाइड करके क्या फायदा है, ऐसे जब मकान नहीं है तो मकान की फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, इसके बात करने से फायदा ही क्या है? ये बात फाइनेंस मिनिस्टर के दिल पे लगी। सही बात कह रही भैया, सही बात कह दी रे, सही बात कह दी। जब मकान ही नहीं है तो उसकी फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट की बात करना ही बेकार है। इसकी बात कब शुरू होगी, इसकी बात कब शुरू होगी, इसकी बात शुरू होगी जब मकान या तो खरीद लूंगा या मकान बना लूंगा। तो मुन्ना जनरली क्या, सुनना ध्यान से, अगर जनरली अगर मकान पहले से ही तैयार है पिछले सालों से, तो फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू 12 महीने का लेते हैं। यानी कि जनरली, ये खतरनाक बात हिंदी में लिखवा रहा हूँ, जनरली फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड 12 महीने का लेते हैं। लेकिन लेकिन अगर मकान, अगर हाउस अपने प्रीवियस ईयर में लिया है या तैयार हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, अगर हाउस अपने, है ना, अगर हाउस अपने प्रीवियस ईयर में बना है या परचेज किया है या कंस्ट्रक्ट किया है ना, चलो कंस्ट्रक्ट भी लिख देता हूं, अपने प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्ट किया है या बाय किया है, तो फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, है ना, समझ गए कहां से लेना है फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट कहां से लेना है? सर जब से मकान बन के तैयार हुआ उसके बाद से। स्टैंडर्ड रेंट मकान, हाउस बनने के बाद से लेना है, हाउस मकान बनने के बाद से लेना है, राइट? यानी अगर फॉर एग्जाम्पल लिख लो साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस, इफ हाउस बाय और कंस्ट्रक्ट, इफ हाउस बाय और कंस्ट्रक्ट ऑन 30 जून, देन फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट टेकन फ्रॉम 1st जुलाई टू 31 मार्च, दैट इज ऑफ 9 मंथ, ठीक है ना? तो ये बहुत ही खतरनाक बात है जो आपको खतरा बना के लिखनी है। क्या लिखना है? जनरली फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का लेते हैं, लेकिन अगर मकान अपने प्रीवियस ईयर में बन के तैयार हुआ है तो फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट जब मकान बन गया उसके बाद से कैलकुलेट करना है। यानी मकान अगर 30 जून को कंप्लीट हुआ है, 30 जून को खरीदा है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने ही फेयर रेंटल वैल्यू लेनी है, 9 महीने की ही स्टैंडर्ड रेंट लेना है, 9 महीने का ही म्युनिसिपल वैल्यू लेना है। सर एक्चुअल रेंट की मैं तुम्हें बात इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक्चुअल रेंट तुम्हारे दिमाग में आता है, टकली फिट हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रेंट तो आप उतने ही महीने का लेते हैं जितने महीने किराया आता है, वो आप जानते हैं। ये खतरनाक बात है जो एग्जाम में गलती होती है, इसलिए एग्जाम में या क्वेश्चन में ये जरूर चेक कर लेना मकान कंप्लीट कब हुआ है, ठीक है? जब भी मकान कंप्लीट हो उसके बाद से ही फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट भी उतने ही महीने का लेना है कंप्लीशन या बाय के बाद। तो मैं दोस्तों बात समझ आ चुकी होगी, ध्यान से नोट करो, क्वेश्चन करो, राइट? मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक